हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्रांस के सबसे खतरनाक जेल से भाग निकलने की एक सच्ची कहानी पर बनी मूवी पापिलोन को, जो 2017 में आई थी। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और ऑडियंस ने भी इसे बहुत पसंद किया है। ये मूवी मुझे भी बहुत पसंद आई थी। इस मूवी की खास बात है कि ये मूवी बिल्कुल रियलिस्टिक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो असलियत में नहीं हो सकता। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। मूवी की शुरुआत होती है एक सोलिटरी रिफाइनमेंट मतलब अंडा सेल की खिड़की खुलने के साथ, जिसमें से एक कैदी अपना सिर बाहर निकालता है। फिर कहानी फ्लैशबैक साल 1931 पेरिस में शिफ्ट होती है। पापिलोन नाम का आदमी एक तिजोरी खोल रहा था। पापिलोन मतलब पापी एक सेफ क्रैकर है। सेफ क्रैक करने के बाद वो खिड़की से नीचे आता है, फिर एक स्ट्रिप क्लब के अंदर एक प्राइवेट रूम में जाता है, जहां वो कैस्टिली नाम के आदमी से मिलता है। वो उस क्लब का ओनर था जो पापी का इंतजार कर रहा था। कैस्टिली पापी को रोनाल्ड नाम के आदमी से मिलाता है, जिसे वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए पिटवा रहा था। कैस्टिली रोनाल्ड से कहता है उसे धोखा देने का अंजाम यही होता है। अब वो अपने बंदों से रोनाल्ड को अपनी नजरों से दूर हटाने कहता है। कैस्टिली पापी से पूछता है पापी उसके लिए क्या लाया है। पापी उसके सामने चुराए हुए डायमंड्स रख देता है। इस पर वो मजाक में पापी से पूछता है उसने अपने पास तो कोई डायमंड नहीं रखा। पापी कहता है उसने अपने लिए बड़े वाले बचा लिए हैं। ये सुनकर कैस्टिल हंसकर कहता है कि पापी के पास काफी गूदा है, जो वो उससे मजाक कर रहा है। अब अगले सीन में पापी कैस्टिल और बाकी लोगों के साथ अय्याशी कर रहा था। वो क्लब एक एग्जॉटिक स्ट्रिप क्लब था, जहाँ कई लेडी स्ट्रिपर का काम करती थी। एक स्ट्रिपर कैस्टिल और बाकी लोगों के टेबल पर आकर अपने जलवे बिखेर रही थी। पापी उसे दूर खड़ा देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो स्ट्रिपर लड़की क्लब से बाहर आती है, जहाँ सिगरेट को स्टाइल में मुंह में लगाने की कोशिश करता हुआ पापी उसका पहले से इंतजार कर रहा था। उस लड़की का नाम नेनेट है, वो पापी की गर्लफ्रेंड थी। पापी नेनेट को खुश करने के लिए उसे एक नेकलेस देता है, साथ ही उसे कुछ छिपाए हुए डायमंड भी दिखाता है। अब नेनेट क्लब में वापस जाने लगती है, लेकिन पापी उसे रोकता है। नेनेट कहती है कैस्टिली नहीं चाहता कि वो जल्दी जाए, लेकिन पापी उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। पापी उसे किस करता है और उसे इंजॉय करने अपने साथ चलने कहता है, लेकिन पापी के बॉस का एक आदमी नेनेट के हाथ में वो नेकलेस देख लेता है और साथ ही वो पापी और नेनेट को भी साथ देखता है। लेकिन इस बात से बेखबर नेनेट और पापी इंजॉय करने जाते हैं। दोनों पेरिस की सड़कों पर घूमकर इंजॉय कर रहे थे। अब सुबह दोनों बेड पर एक साथ थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नेनेट पापी से कहती है उसे घर चाहिए, वो उसके साथ उस गांव में रहना चाहती है जहां पापी बड़ा हुआ है। नेनेट उसके साथ गांव में आज ही सेटल होना चाहती थी, लेकिन पापी उससे पूछता है वो गांव में कमाएगा क्या, क्योंकि वहां पर चुराने भी कुछ नहीं होगा। नेनेट कहती है पैसे कमाने के लिए वो कोई जॉब कर लेंगे, लेकिन पापी कहता है कि कल रात उसने इतने पैसे कमाए जितने गांव के ज्यादातर लोग एक साल में भी नहीं कमा पाते। वो नेनेट से 6 महीने का वक्त मांगता है, 6 महीने में वो क्लब के मालिक से भी ज्यादा पैसे कमा लेगा, लेकिन इस बात से नेनेट नाराज हो जाती है। वो पापी से कहती है उसे 6 महीने इंतजार नहीं करना। तभी अचानक एक लेडी रेंट के लिए दरवाजा नॉक करती है। पापी दरवाजा खोलकर उसे रेंट देता है, लेकिन तभी दो पुलिस ऑफिसर उसे रोनाल्ड के मर्डर के केस में अरेस्ट करने आ जाते हैं। पापी घबरा जाता है, वो ऑफिसर को बताता है वो गलत बंदे के पास आए हैं, क्योंकि वो पूरी रात नेनेट के साथ था। लेकिन ऑफिसर बताते हैं एक आई विटनेस ने उसे पहचान लिया है। ऑफिसर उसे अपने साथ चलने कहते हैं। पापी नंगा खड़ा था, उसे कम से कम अपने कपड़े पहनने थे, लेकिन ऑफिसर उसे कपड़े भी नहीं पहनने देते। जब पुलिस ऑफिसर पापी को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, पापी और नेनेट लगातार बोल रहे थे वो दोनों कल रात साथ थे, लेकिन वो ऑफिसर कहते हैं एक वेश्या का यकीन कोई नहीं करेगा। फिर वो पापी को जबरदस्ती जेल ले जाते हैं। अगले सीन में नेनेट पापी से जेल में मिलने आती है। वो प्रिजनर यूनिफॉर्म में एक सेल में बंद था। पुलिस चेकिंग के बाद नेनेट पापी के सामने पहुंचती है, वो दोनों किस करते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर बार से पीछे हटने कहता है। नेनेट से हमें पता चलता है पापी को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। वो उससे अपील करने कहती है, लेकिन पापी कहता है उसे फ्रेम किया गया है, सबने मिलकर उसे फंसाया है, अब उसे सिर्फ जेल से भागने पर ध्यान देना है। जेल से भागने के बाद वो सबसे पहले उस विटनेस को मारेगा जिसने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी है, और साथ ही उन सबको भी जिसका भी इस केस से कोई लेना देना है। नेनेट उसे शांत रहने कहती है। नेनेट को आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे, लेकिन तभी एक ऑफिसर सारे विजिटर को जाने कहता है। पापी नेनेट से खुद को भुलाने कहता है, लेकिन नेनेट पापी से प्यार करती है। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे जाने कहता है। ना मानने पर वो नेनेट को खींच कर पापी से अलग करता है। ये देखकर पापी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। तब
कापी के बगल वाली सेल में खड़ा प्रिजनर उससे बात करने लगता है। उसका नाम जूलियट था, वो एक छोटा मोटा चोर है। उसे पापी के बारे में सब कुछ पता था कि कैसे उसे मर्डर के इल्जाम में फंसाया गया है। यहाँ हमें पता चलता है छोटे मोटे क्राइम के लिए भी लोगों को लाइफ सेंटेंस की सजा सुना दी जाती थी। जूलियट कहता है जेल से भागने के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। अब सारे कैदियों को एक रूम में हेल्थ चेकअप करने लाया गया था, जहाँ जूलियट पापी को लुइस डेगा के बारे में बताता है, जिसे वहाँ चेकअप कर रहे डॉक्टर से स्पेशल अटेंशन मिल रही थी। जूलियट बताता है डेगा एक मिलियनेयर है, उसे जाली डिफेंस बॉन्ड बनाने के लिए पकड़ा गया है, लेकिन डेगा यहाँ ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि जेल में हर कैदी उसे मारना चाहता है क्योंकि उसने अपने पास पैसा छुपाया हुआ है। अब हेल्थ चेकअप के बाद सभी कैदियों को एक खुली जगह इकट्ठा करके एक ऑफिसर बताता है इस पल से वो फ्रेंच पिनल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर्टी है, इसीलिए पूरी सजा काटने के बाद भी उन कैदियों को साउथ अमेरिका में अपनी सजा के बराबर के समय तक काम करना पड़ेगा। साथ ही वो कहता है फ्रांस ने उनसे छुटकारा पा लिया है और वो सब भी फ्रांस को भूल जाए। अब उन कैदियों को एक गलियारे से शिप पोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था, जहाँ डेगा को उसका लॉयर और पत्नी मिलती है। उसका लॉयर कहता है वो कुछ हफ्तों में उसके लिए अपील करने वाला है। उसकी पत्नी उसे स्ट्रॉन्ग रहने कहती है। साथ ही कैमरामैन डेगा की फोटोज खींच रहे थे। अब उन सब कैदियों को एक शिप में भरा जा रहा था, जहाँ पापी जूलियट से कोने वाली जगह घेरने कहता है। डेगा की तरफ देखते हुए जूलियट पापी को बताता है डेगा ने पहले ही दोस्त बना लिए है, लेकिन तब भी पापी उसे कोने वाली जगह का ध्यान रखने कहता है। अब पापी डेगा के पास जाकर कहता है उसने उसके लिए अपने बराबर में जगह बचा रखी है, वो उसे वहाँ सेफ रखेगा क्योंकि बहुत से लोगों की नजर उस पर ही है। पापी कहता है वो उसे सेफ रखेगा, बदले में उसे जेल से भागने के लिए पैसों की जरूरत है। इस समय तो डेगा पापी पर भरोसा नहीं करता और अपनी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स के पास वाली जगह ही सोना प्रिफर करता है। पापी दोबारा जूलियट के पास पहुँचता है, जूलियट उसे साथ में भागने कहता है, लेकिन पापी उसे ये कहकर मना कर देता है कि भागने के दौरान उसे किसी और की गलती की वजह से पकड़े नहीं जाना, मतलब पापी जूलियट पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। अब सोने का वक्त हो चुका था, पापी ने सोने के लिए एक ऐसी जगह चुनी थी जहाँ से वो डेगा पर नजर रख सके। अब रात को सब सो ही रहे थे कि एक मोटा कैदी आकर डेगा के पास सो रहे कैदी को उसके कुछ पैसों की वजह से उसका पेट काट कर मार देता है, फिर उसके पैसे लेकर और थोड़े पैसे वही छोड़कर बिना किसी डर के वहाँ से चला जाता है। ये देख कर डेगा बुरी तरह डर चुका था। तभी वहाँ गार्ड आकर उस मरे हुए कैदी के पास पड़े पैसे उठाने के बाद सबको अलर्ट करता है। गार्ड उस मरे हुए कैदी की बॉडी फेंक देते हैं। अब सुबह होती है और डेगा समझ चुका था गार्ड्स भी उसे इन खूंखार कैदियों से बचा नहीं सकते। अब वो पापी के पीछे जाता है। वो पापी से पूछता है क्या उसने कभी किसी कैदी के जेल से भागने के बारे में सुना है। पापी कहता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई कैदी वहाँ से भाग नहीं सकता। अब पापी की ये बात सुनकर डेगा कहता है उसे पापी जैसे आदमी की ही जरूरत है, वो उसे आइलैंड पर पहुँचने और उसके बाद भी सुरक्षित रखे, बदले में वो उसके भागने के प्लान को फंड करेगा। इस डील से दोनों खुश थे। पापी डेगा से पूछता है टाइम आने पर क्या वो उसके साथ भागेगा नहीं। डेगा कहता है उसके भागने का कोई इरादा नहीं, वो तो बस जिंदा रहना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ उसकी अपील पर काम कर रही है और क्रिसमस तक वो अपने घर पर होगा। डेगा की इस बात पर पापी उसे आशावादी कहता है। अब रात हो चुकी थी, सब कैदी सो रहे थे, गार्ड वहाँ टाइम पास करने कार्ड खेल रहे थे। अब वही मोटा कैदी डेगा को अपना शिकार बनाने आ रहा था, लेकिन पापी जिसने अब डेगा की सिक्योरिटी का वादा किया है देखते ही उस मोटे आदमी को पीटने लगता है। इस दंगल की आवाज से सारे कैदी जाग चुके थे। इस बीच उस मोटे आदमी का चाकू गिर जाता है। वो चाकू उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन डेगा वो चाकू उठा लेता है, लेकिन शोर ज्यादा बढ़ता देख गार्ड्स लड़ाई रोकने वहाँ गर्म भाप छोड़ते हैं जिससे कैदियों को तकलीफ होती है और सब नीचे बैठ जाते हैं। अब गार्ड सभी कैदियों को उनकी शर्ट उतारने कहते हैं। तभी पापी डेगा के पास से वो चाकू लेता है और उस पर खड़ा हो जाता है। गार्ड सभी कैदियों को चेक करते हैं, उन्हें पापी के हाथ पर चोट दिखाई देती है। अब सजा के तौर पर गार्ड पापी को रात भर एक टेबल पर उल्टा बांध कर रखते हैं। सुबह होने पर एक गार्ड पापी के सामने पानी का कटोरा रखता है और पापी उस कटोरे से किसी कुत्ते की तरह पानी पीने को मजबूर था। अब शिप आइलैंड पर पहुंच चुकी थी। शिप से उतरते समय जूलियट पापी से पूछता है उसने उस मोटे आदमी को जान से क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो मोटा आदमी उसे ही देख रहा था, लेकिन पापी किसी को जान से नहीं मारना चाहता। जूलियट हॉस्पिटल जाकर वहां से भागना चाहता था, इसीलिए वो चुपके से अपने पैर पर चाकू से घाव करता है। एक गार्ड सभी कैदियों को बहुत ही बुरी तरीके से लाइन में चलने बोल रहा था, वो जिसे मन चाहे उस कैदी को पीट रहा था। सभी कैदी एक एक करके एक रस्सी की सीढ़ी से शिप से नीचे उतर रहे थे, लेकिन जूलियट जानबूझकर सीढ़ी से गिर जाता है क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना था। गिरने के बाद वो अपना पैर टूटने का नाटक कर रहा था। उसका प्लान कामयाब होता है और उसे स्ट्रेचर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब कैदियों की दो लाइन लगाई जाती है। डेगा दूसरी लाइन से भागकर पापी के पीछे लग जाता है। अब उन सबको एक आइलैंड की जेल में लाया जाता है, जहाँ पहले से मौजूद कैदी स्ट्रो हैट पहने हुए थे। वहाँ वार्डन और ज्यादातर गार्ड्स की यूनिफॉर्म व्हाइट थी। अब वहाँ पहुंचे नए कैदियों को भी
यूनिफॉर्म के साथ स्ट्रो हैट दी जाती है। कैदियों के पहुंचने पर वार्डन उनसे कहता है, जितने भी कैदी यहां से भागने के बारे में सोच रहे हैं वो कोशिश करने के लिए बिल्कुल फ्री है, क्योंकि उन्हें शूट करने गार्ड्स को बहुत खुशी होगी और अगर वो इस रहम से बच जाते हैं तो वहां दो गार्ड हमेशा ऑन ड्यूटी है। पहला गार्ड है वहां का जंगल जहां उन्हें भुखमरी से बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा गार्ड है वहां का समुद्र जहां की शार्क हमेशा भूखी रहती है। अगर कोई कैदी भागने की पहली कोशिश में जिंदा पकड़ा जाए तो उसे 2 साल के लिए अंडा सेल यानी आइसोलेशन सेल में रखा जाएगा और दूसरी बार भागने के अटेम्प्ट में पकड़े जाने पर उस कैदी को 5 साल तक अंडा सेल में रखा जाएगा। फिर उसे डेविल्स आइलैंड पर उम्र कैद होगी। अगर कोई कैदी किसी का मर्डर करता है तो उसे पीछे रखे कटर से एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इन रूल्स को छोड़ दिया जाए तो ये जेल एक टिपिकल जेल जैसी ही थी जहाँ कैदी एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन इस जेल में कैदियों का अलग अलग सेल ना होकर बहुत से कैदियों को एक ही सेल में सुलाया जाता था। सेल में पहुंचकर पापी डेगा से एक कोने में खड़े रहने कहता है और वो जाकर एक कैदी से मिलता है जो बाकी कैदियों को उनका काम बता रहा था। वो उससे पूछता है जेल में कैदियों को काम कौन देता है, लेकिन डेगा वहां आकर पापी को बीच में ही टोकता है और उस कैदी को मक्खन लगाने लगता है। डेगा भी उससे काम असाइन करने वाले आदमी के बारे में पूछ रहा था। वो आदमी उन्हें मनचाहा काम दिलवाने के बदले 1,000 मांगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पैसे थे, लेकिन उसे जाता देख डेगा उसे 1,000 देने तैयार हो जाता है। पापी उन दोनों के लिए हॉस्पिटल में अटेंडेंस का काम मांगता है, साथ ही सिगरेट और डेगा नोटबुक मांगता है क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। उस आदमी को भी पैसे अभी तुरंत चाहिए थे। यहाँ पता चलता है डेगा ने सारे पैसे अपने बट होल में छुपा रखे हैं और उसे पैसे निकालने टॉयलेट जाने की जरूरत थी। डेगा टॉयलेट के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन पापी उसे बताता है कि टॉयलेट वही एक कोने में है। अब डेगा प्रेशर लगाने उस टॉयलेट पर बैठता है। उसे ये सब करते हुए खिड़की से एक कैदी देख रहा था जिसे पापी मारकर भगा देता है। अब डेगा पैसे निकाल कर उस आदमी को देता है। इस जेल में कैदियों को पैरों में बेड़ी बांधकर सुलाया जाता था। रात में डेगा किसी बच्चे की तरह पापी पर हाथ रख कर सो रहा था। पापी उसका हाथ हटाता है, तब डेगा जागता है। उसके हाथ पर घाव था। वो कहता है उसे किसी ने काटा है। पापी उसे इशारा करके ऊपर बैठे चमगादड़ दिखाता है। तभी अचानक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। जेल का सायरन बजता है। आवाज सुनकर सारे कैदी जाग गए थे। पापी खिड़की से देखकर समझ जाता है भागने वाला कैदी जूलेट था। उसने जेल से भागने में जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। पापी डेगा से कहता है उसने देखा इस जेल से भागा जा सकता है। सुबह सारे कैदियों को दो दो के ग्रुप में काम दिया जा रहा था। ज्यादातर कैदियों को रूट जीरो पर काम दिया जाता है, लेकिन जब पापी और डेगा गार्ड्स के सामने पहुंचते हैं डेगा उससे कहता है उन दोनों को हमेशा साथ में रहना है। काम देने वाला ऑफिसर उनकी शक्ल देखकर उन्हें हॉस्पिटल में काम करने भेजता है। डेगा उसे कुछ दिन रेस्ट करने पूछता है, लेकिन पापी बीच में रोककर उसे चुपचाप चलने कहता है। दोनों पीछे की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन वहां का डिप्यूटी वार्डन डेगा को पहचान लेता है क्योंकि उस डिप्यूटी वार्डन का साला डेगा के जाली बॉन्ड्स बेचने के जुर्म में पकड़ा गया था। अब और किसी की बात होती तो शायद डिप्यूटी वार्डन उसे छोड़ देता, लेकिन बात उसके साले की थी इसीलिए वो डेगा को रूट जीरो पर भिजवा देता है और साथ में पापी को भी। डेगा पापी से पूछता है ये रूट जीरो क्या है। अगले सीन में पता चलता है रूट जीरो पत्थरों को इकट्ठा करके ले जाने का एक रेल रूट था जहाँ पापी तो फुर्ती से काम कर रहा था, लेकिन डेगा को कमजोर होने की वजह से परेशानी हो रही थी। खाली वक्त में डेगा नोटबुक पर कुछ ड्रॉ कर रहा था और पापी स्टाइल से अपनी सिगरेट पी रहा था। पापी देखता है डेगा अपनी वाइफ का स्केच बना रहा है। पापी कहता है वो यहाँ है और उसकी वाइफ उसके पैसों के साथ पेरिस में। पापी डेगा से पूछता है वो यहाँ से निकलने के लिए कितनी कीमत चुका सकता है। डेगा कहता है उसके पास जो कुछ भी है सब कुछ। पापी कहता है लेकिन उसकी बीवी उसे यहाँ से निकालने के लिए कितनी कीमत चुका सकती है। इस बात का डेगा के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन भी डेगा को कार्ट पुश करने में परेशानी हो रही थी। उस कार्ट को धक्का लगा रहा एक सेलर नाम का कैदी डेगा को थोड़ी और ताकत लगाने कहता है। तभी डेगा पापी को बताता है उसे डायरिया है जिस वजह से उसने पैसे खो दिए। ये सुनते ही पापी वो पूरी रेल रोक कर पैसों का पैकेट ढूंढने लगता है। रेल रुकने पर वहाँ गार्ड आता है और उन्हें जल्दी चलने कहता है। तभी पापी को फाइनली वहाँ पैसों का पैकेट मिल जाता है। अब डेगा कार्ट ढकेलने की हालत में नहीं था, इसीलिए गार्ड के कहने पर वो उसे उस कार्ट पर ही लेटा कर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कैदी लंच के लिए बैठे थे, तब पापी डेगा से कहता है उसे बस पैसे संभालने का एक काम करना था और वो इतना भी नहीं कर पाया। डेगा कहता है उसका शरीर साथ नहीं दे रहा। डेगा पापी से पैसों के पैकेट के बारे में पूछता है। पापी कहता है पैसे अपने ठिकाने पर है। डेगा रूडली कहता है उसे एक चोर पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पापी कहता है वो ऐसी चीज कैसे चुरा सकता है जो पहले से उसकी ही है। पापी कहता है उसके पैसे सेफ रखे है और इस बार उसे पैसे अच्छी तरह छुपा कर रखने होंगे। उस जेल में लंच के नाम पर एक सूखा ब्रेड दिया जाता था। डेगा
अपने बिहेवियर के लिए पापी से माफी मांगता है। तभी वो नोटिस करता है उसके पास बैठा कैदी मर चुका है। उस कैदी की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना देने वाला बेहोश होने पर उसके ऊपर ही ब्रेड रख कर चला गया था। डेगा पापी को बताता है वो कैदी मर चुका है, लेकिन सेलर डेगा से उसका मुंह बंद रखने कहता है और उसका ब्रेड उठाकर पापी के साथ बांटता है। ये सब देखकर डेगा वहाँ से जाने लगता है। उस ब्रेड में से कुछ हिस्सा पापी डेगा को भी देता है। पापी सेलर की छाती पर बने निशान को देखकर समझ जाता है सेलर पहले नेवी में काम करता था। पापी बताता है वो भी 18 महीने के लिए नेवी में था। सेलर इशारों में कहता है वो कभी साथ में सेलिंग करने जा सकते हैं। पापी उससे पूछता है क्या उसके पास बोट है। सेलर उससे पूछता है क्या उसके पास पैसे है। जब पैसों का इंतजाम हो जाए सेलर उसे बताने कहता है। बैकग्राउंड में डेगा अपनी शर्ट में से पसीना निचोड़ रहा था। तभी एक कैदी उसे पैसों के लिए धमकाने आता है। ये देखकर पापी उसे पीटने ही वाला था, लेकिन तभी एक गार्ड गोली चलाकर लंच टाइम खत्म होने का अनाउंसमेंट करता है। लंच टाइम के बाद सभी कैदी पत्थरों से भरी काट खींच रहे थे। तब उन्हें कीचड़ में वैश्याओं के साथ फंसा एक आदमी दिखाई देता है। वो उन वैश्याओं का दलाल था। वो आदमी गार्ड से मदद मांगता है। अब वो सारे कैदी इस आदमी के साथ उन वैश्याओं को भी काट पर लाद कर ले जा रहे थे। पापी सबसे आगे वाली काट पर था। मौका देखकर वो उस आदमी से पूछता है वो उसे दूसरे किनारे पर ले जाने के कितने पैसे लेगा। पहले पापी उसे 2000 ऑफर करता है, लेकिन वो आदमी गार्ड्स को पुकारने लगता है। घबराकर पापी उसे 4000 ऑफर करता है। तब वो आदमी पापी को 3 दिन के अंदर रिवर की दूसरी साइड पर मिलने कहता है, जिसके वो 5000 मांगता है। अगले दिन पापी और डेगा बाकी कैदियों के साथ नहा रहे थे। तभी कुछ कैदी गार्ड्स के साथ डील करके वहाँ आते हैं। वो कैदी साबुन को एक कपड़े में रख कर उसे हथियार की तरह यूज करते हैं, लेकिन उन्हें आते हुए पापी ने पहले ही देख लिया था। अब उन कैदियों और पापी के बीच काफी देर हाथापाई होती है। लड़ाई के बीच डेगा एक कोने में छुप जाता है। कुछ देर बाद पापी उन सबको हरा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद डेगा पापी के पास आता है, लेकिन पापी गुस्से में उसे दूर हटने कहता है, क्योंकि वो लोग डेगा के पैसे लूटने ही आए थे। रात में सोते वक्त डेगा पापी से कहता है वो अपनी अपील से पहले मरना नहीं चाहता, इसीलिए अब वो पापी के साथ भागना चाहता है। लेकिन पापी उसे ये कहकर मना करता है कि उसका साथ में भागना डील का हिस्सा नहीं था। साथ ही डेगा को ना तो बोट चलानी आती है और ना ही उसने समुद्र में ज्यादा वक्त बिताया है। लेकिन डेगा को अब भागना था। वो पापी से एक दोस्त के नाते उसे लुइस बुलाने कहता है। अगले दिन सुबह सारे कैदियों को पहले दिन की तरह लाइन में लगाया जाता है। वहाँ सेलर पापी को ग्रीट करता है, लेकिन उसे डेगा कुछ खास पसंद नहीं था। फिर उन सभी कैदियों को घुटने पर बैठने कहा जाता है। फिर वार्डन आकर बताता है एक आदमी ने सिर्फ जंगल के रास्ते भागने के लिए 2 गार्ड्स पर चाकू से हमला किया, जिसमें से एक की आज सुबह मौत हो गई। अब उसके 2 बच्चों को बिना बाप के जीना पड़ेगा। यहाँ पता चलता है वो भागने वाला कैदी और कोई नहीं बल्कि जूलेट था। उसे गार्ड्स पकड़ कर ला रहे थे। जूलेट को देखकर पापी हैरान होकर खड़ा हो जाता है। तब एक गार्ड बंदूक मार कर उसे नीचे गिरा देता है। जूलेट वार्डन के कोट पर थूक देता है। फिर उसे रूल्स के मुताबिक एग्जीक्यूशन के लिए बांधा जाता है। सब अपना दिल थामे देख रहे थे। फिर उस मशीन की मदद से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है और थोड़ी देर के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। वार्डन कहता है उन्हें यहाँ रखने में उन्हें कोई फायदा नहीं होता, लेकिन उन्हें मारने में उनका कोई नुकसान भी नहीं होता। अब वार्डन जूलेट की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए पापी को चुनता है और उसे अपने साथ एक और आदमी को चुनने कहता है। पापी डेगा को चुनता है। पापी और डेगा जूलेट की बॉडी एक बोरी में रखकर ठिकाने लगाने गार्ड्स के साथ बाहर आते हैं। चलते चलते उस बॉडी से खून निकल रहा था। डेगा अचानक रुक जाता है। पापी उससे कहता है जूलेट मर चुका है। उनके हाथों में सिर्फ मांस और खून का ढेर है, लेकिन अपने हाथों पर लगा खून देखकर वो अचानक डेड बॉडी छोड़ देता है। तब एक गार्ड दोनों को रुका हुआ देख डेगा के पास आता है। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। डेगा बहुत ज्यादा घबरा रहा था। जवाब न देने पर वो गार्ड डेगा को कोड़े से मारने लगता है। डेगा अपना चश्मा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पापी गुस्से में आकर उस गार्ड के सिर पर पत्थर मारता है और मौका देखकर डेगा को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। उसे भागता देख डेगा सरप्राइज था। वो पापी का नाम जोर से चिल्लाता है। गार्ड पापी का पीछा करते हैं। उनसे बचने पापी एक नदी में कूद जाता है। गार्ड उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आता। पापी के अकेले भागने पर डेगा दुखी था, लेकिन गार्ड उसे घसीट कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ रात में पापी उस मोटे दलाल के पास पहुंचता है। पापी उसे वहां खड़ा देखकर उसे एक अच्छा आदमी समझता है, लेकिन वो पापी से पहले पैसे मांगता है। पापी बताता है उसके पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन पेरिस में उसके पास बहुत पैसे है। वो पेरिस पहुंचकर उसे अपना सब कुछ दे देगा। एक पल के लिए तो वो आदमी मान जाता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ बहुत सारे गार्ड्स पापी पर गन ताने खड़े थे। वो आदमी पापी से कहता है अगर उसने पैसे दे भी दिए होते तब भी वार्डन उसे दुगने पैसे देने तैयार है। पापी उस आदमी को मन ही मन गालियां देता है। अगले सीन में गार्ड्स पापी को पकड़कर जेल में वार्डन के सामने लाते हैं। वार्डन पापी से कहता है वो लकी था, क्योंकि वो गार्ड मरा नहीं, वरना उसका भी सिर कलम किया जाता। और अब रूल के हिसाब से उसे सेंट जोसेफ आइलैंड पर ट्रांसफर किया जाएगा, जहां उसे 2 साल के लिए अंडा सेल में
में रहना पड़ेगा। ये उसे सुधारने के लिए नहीं है क्योंकि उसे पता है ये उनके लिए बेकार है। वार्डन कैदियों को अंडा सेल में उनकी उम्मीद तोड़ने भेजता था क्योंकि सेंट जोसेफ के अंडा सेल में खामोशी के अलावा कुछ नहीं। अब पापी को अंडा सेल में लाया जाता है जहाँ गार्ड उसे शांति बनाए रखने कहते हैं, फिर वहाँ का गेट बंद करके चले जाते हैं। अब पापी उस सेल में शांति के साथ बिल्कुल अकेला था। वहाँ की सीलिंग में जाली की चादर थी, ऊपर से गार्ड उसे देख सकते थे। पापी सेल की साइलेंस को महसूस कर रहा था। एक गार्ड सेल के नीचे वाली खिड़की खोलता है, फिर खाना देने के लिए पापी से बर्तन आगे करने कहता है। पापी बर्तन उस खिड़की के पास रखता है, तब पापी को दिखाई देता है गार्ड्स एक कैदी को घसीट कर ले जा रहे थे। पापी उसमें से अपना सिर बाहर निकालता है, तभी वो गार्ड बर्तन में खाना ले आता है। अब पापी बर्तन देखता है, उसमें खाने के नाम पर बस पानी जितना पतला सूप था, लेकिन तब भी पापी उस सूप को पी लेता है। अगले दिन वो डिप्टी वार्डन दो और गार्ड के साथ पापी के सेल में आता है, जिसे पापी पत्थर मारकर भागा था, लेकिन पापी उसे शांत रहने का इशारा करता है। तभी वो गार्ड उसके पेट पर एक घूंसा मारता है, साथ ही उसे दोबारा बाहर झांकने पर जान से मारने की धमकी देता है। वो पापी को अंदर से तोड़ने के लिए बार बार मारता है, लेकिन पापी उसे गुस्सा दिलाने बार बार खड़ा होकर हंस रहा था। तब दूसरे गार्ड पापी को पागल समझकर डिप्टी वार्डन को वहां से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद पापी अपना हाथ खुद के खून में भिगोकर दीवार पर अपना हैंड प्रिंट लगाता है। अगले दिन पापी के लिए एक बाल्टी आती है, बाल्टी में उसके लिए नारियल आया था। उसके साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था इस पानी की बकेट में रोज उसके लिए नारियल आएगा। पापी समझ जाता है ये नारियल उसके लिए डेगा भेज रहा है। पापी नारियल खाकर बहुत खुश होता है, इससे पापी में एक नई उम्मीद जागती है। अब वो रोज नारियल के आने का इंतजार करता। नारियल खाने के बाद अब उसने सेल के अंदर ही एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन बीतते वक्त के साथ पापी पतला होने लगा था। एक दिन शक होने पर दूसरा गार्ड उस बाल्टी को चेक करता है। वो गार्ड खाना देने वाले कैदी को बहुत मारता है। थोड़ी देर बाद पापी के सेल में उस कैदी का खून आता है, मतलब उस गार्ड ने नारियल देने वाले कैदी को मार दिया। अब जेल का वार्डन पापी से मिलने आता है। वो देखता है पापी अभी तक नहीं टूटा। वो पापी से पूछता है उसे वो नारियल कौन और कब से पहुंचा रहा है, लेकिन पापी कुछ नहीं बोलता। लेकिन वार्डन उसका खाना आधा करने की धमकी देता है, लेकिन तब भी पापी कोई जवाब नहीं देता। तब वार्डन उसका खाना आधा करवा कर चला जाता है। कुछ समय बाद सेल के ऊपर वाली खिड़की खुलती है और पापी अपना सिर बाहर निकालता है। अब मूवी वही आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। पापी देखता है गार्ड अंडा सेल में मरे हुए कैदी को घसीट कर ले जा रहे हैं। फिर एक नाई बाकी कैदियों के बाल काट रहा था, फिर नाई पापी के भी बाल काटता है। कुछ दिनों बाद वार्डन फिर से पापी के पास आता है। इस बार वो पापी के लिए सूप लाया था। बदले में वो पापी से बस उसे नारियल भेजने वाले का नाम पूछता है, लेकिन पापी तब भी उसे नहीं बताता। पापी वो सूप वार्डन के मुंह में ही डालने लगता है। अब वार्डन पापी की सजा खत्म होने तक उसके सेल में पूरा अंधेरा करवाने का ऑर्डर देता है। पापी की हालत देखकर वार्डन को लग रहा था पापी अपनी सजा पूरी नहीं कर पाएगा। एक गार्ड उससे वो सूप भी छीन लेता है। अब ऊपर की सीलिंग बंद होने से पापी के सेल में अंधेरा हो चुका था। दिन ब दिन पापी की हालत खराब होती जा रही थी। वो कभी अपना गला घोटने की कोशिश करता तो कभी उसे अजीब से विजन आने लगते, जिसमें वो अपनी गिरफ्तारी से पहले वाली रात याद करता। उसी विजन में उसे डेगा एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के तौर पर दिखाई दे रहा था। अब एक विजन में पापी को सेल का गेट एक सेफ की तरह दिखाई देता है, जिसका कोड क्रैक करने के बाद भी वो नहीं खुलता। अगले दिन कुछ गार्ड पापी के सेल में आते हैं। वो बताते हैं अंडा सेल में उसकी 2 साल की सजा पूरी हो चुकी है। वो उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ पता चलता है डेगा वार्डन का बुक कीपर बन चुका है। वार्डन उससे काफी खुश भी रहता है। अब जेल में आए नए कैदियों को वार्डन जेल के रूल समझा रहा था। डेगा जल्दी से हॉस्पिटल में पापी के पास पहुंचता है। पापी वहां एक बेड पर लेटा हुआ था। डेगा कहता है वो उससे पहले ही मिलने आने वाला था, लेकिन उसे डर था पापी उससे मिलना नहीं चाहेगा। वो पापी को ये भी बताता है उसकी वाइफ उसकी अपील के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि डेगा की वाइफ ने उसके ही लॉयर से शादी कर ली। तब 2 साल बाद पहली बार पापी कुछ बोलता है। पापी बिल्कुल ठीक है, ये देखकर डेगा काफी खुश होता है। वो पापी से कहता है अगर उसने वार्डन को उसका नाम बता दिया होता तो उसकी सजा काफी आसान हो जाती। पापी कहता है उसने इस बारे में सोचा भी था, लेकिन उसे याद आया डेगा कितना नाजुक है। डेगा पापी से कहता है ऐसी परिस्थिति में शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाता। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर पापी ने वहाँ सर्वाइव कैसे किया। पापी कहता है बस वो साइलेंस का आदी हो गया था। पापी कहता है अगर वो जेल से कभी बाहर निकला तो अब वो एक अलग तरह की जिंदगी जिएगा। डेगा पापी को बताता है संडे को वार्डन लोकल पॉलिटिशियंस के साथ कोर्ट यार्ड में मूवी देखने वाला है। उस दिन गार्ड्स को डबल ड्यूटी करनी होगी। उस दिन पापी के लिए भागने का सबसे बेस्ट चांस है, लेकिन उनके पास बोट नहीं थी। तब पापी डेगा से सेलर के बारे में पूछता है। सेलर अब तक यही है। डेगा कहता है अगर उन्होंने सेलर से बोट का इंतजाम करने कहा तो उन्हें अपने साथ सेलर को भी ले जाना पड़ेगा। पापी ये बात सुनकर खुश होता है कि डेगा भी उसके साथ आना चाहता है। तभी पापी पागल होने की एक्टिंग करने लगता है, क्योंकि वहां एक कैदी और डॉक्टर आ गया था। डॉक्टर आकर उसे शांत करने
के लिए उसे बेहोशी की गोली देता है, जिसे पापी चुपके से थूक देता है। अब रात होने पर पापी देखता है वो कैदी जो हॉस्पिटल के कैदियों पर नजर रखता है, वो एक मटरिट नाम के कैदी का रेप करने की कोशिश करता है। फिर पापी मटरिट के पास जाता है और अपने प्लान में उसे भी शामिल होने कहता है। उसे साथ ले जाने के बदले पापी उससे उस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने कहता है। पहले तो वो लड़का नहीं मानता, लेकिन बाद में मान जाता है। अब अगले दिन प्लान के मुताबिक डेगा सेलर को जेल के हॉस्पिटल में लेकर आता है। सेलर पापी को देखकर बहुत खुश होता है। पापी सेलर को मटरिट के बारे में बताता है। सेलर के हाथ में चोट लगी थी, जिस बहाने वो हॉस्पिटल आया है। सेलर बताता है वो एक बंदे को जानता है जिसने नदी के किनारे एक बोट छुपा रखी है। वहाँ से बोट लेकर वो सीधे ओशन के रास्ते निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें आधे पैसे अभी लगेंगे। डेगा बताता है जैसे ही फिल्म शुरू होगी वार्डन की बिल्डिंग से वो दरवाजों की चाबी ले आएगा। उनका प्लान रेडी था। कोने में जाकर डेगा पापी से कहता है वो सेलर पर भरोसा नहीं कर सकते, वो पिंजरे में बंद एक जानवर जैसा अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन पापी कहता है वो सब पिंजरे में बंद जानवर है, वो चिंता ना करे। अब डेगा चुपके से पापी को पैसे देता है। पापी उसे मैच बॉक्स में बेहोशी की गोलियां देता है, जो उसने खाने की बजाय अपने पास रख ली थी। अब पापी वो पैसे चुपके से सेलर को दे देता है, लेकिन जाते वक्त एक कैदी डेगा से वो बेहोशी की गोलियां छीन लेता है। ये देखकर सेलर डर जाता है, लेकिन पापी को डेगा पर भरोसा था। डेगा उस कैदी के हाथ पर काटता है, वो कैदी उसे एक पंच मार देता है। तभी बाकी गार्ड आकर उस कैदी को भगा देते हैं। डेगा को वो गोलियां मिल गई थी। यहाँ हमें पता चलता है डेगा पहले कैदियों से बात करने भी डरता था, अब कितना इवॉल्व हो गया है। डेगा पापी को बताता है अब वो गुस्सा झेलना सीख गया है, क्योंकि बचपन में उसके पिता भी उसे ऐसे ही पीटा करते थे। वो पापी से पूछता है क्या उसके पेरेंट्स भी उसे ऐसे ही मारा करते थे, लेकिन पापी बताता है उसके पेरेंट्स स्कूल टीचर थे। ये बात सुनकर डेगा काफी सरप्राइज होता है। अब संडे की रात आती है, सभी पुलिस ऑफिसर्स और गार्ड्स को ड्रिंक सर्व की जा रही थी। डेगा सर्व कर रहे कैदी से वार्डन के लिए स्पेशल ड्रिंक लेता है, वो उससे पूरी बोतल ही ले लेता है। फिर बोतल में चुपके से बेहोशी की दवा मिलाता है। कोर्ट यार्ड में किंग कॉन्ग मूवी चल रही थी। सेलर, पापी और मैट्रिट हॉस्पिटल में सोने की एक्टिंग कर रहे थे। वो मोटा कैदी मैट्रिट के बेड पर जाकर बैठता है। प्लान के अकॉर्डिंग मैट्रिट उस कैदी को डिस्ट्रैक्ट करने टॉयलेट में ले जाता है। दूसरी तरफ डेगा बैठे हुए गार्ड्स को नशीली ड्रिंक देता है। पापी हथियार बनाने के लिए बेड के पाए को निकाल कर उस पर कपड़ा लपेटता है। पापी सेलर को स्ट्रिक्टली कहता है कोई भी मरना नहीं चाहिए। अब दोनों टॉयलेट की तरफ जा रहे थे, उन्हें नीचे गार्ड दिखाई देते हैं जो अभी तक बेहोश नहीं हुए। अब टॉयलेट में जाकर दोनों उस गार्ड को मारकर बेहोश कर देते हैं। तब नीचे कार्ड खेल रहे गार्ड्स को कुछ आवाज आती है, उनमें से एक ऊपर देखने आता है, लेकिन ऊपर आते ही वो बेहोश हो जाता है। अब तीनों चुपके से नीचे उतरते हैं और उन दोनों गार्ड्स को आसानी से संभाल लेते हैं, क्योंकि वो बेहोश ही होने वाले थे। दूसरी तरफ डेगा वहां से निकलने की फिराक में था, लेकिन तभी डिप्यूटी वार्डन उसे बुला लेता है। गार्ड्स को ठिकाने लगाने के बाद वो तीनों बाहर डेगा को देखते हैं, उन्हें लगता है वो जल्दी आ गए। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से कोर्टयार्ड में मूवी देख रहे सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी लाइट भी चली जाती है। अब डेगा के ना आने पर सेलर डेगा के बिना ही भागना चाहता था, वो अपने साथ चलने मटरिट को भी तैयार कर लेता है, लेकिन पापी डेगा के बिना जाने से मना कर देता है। इतने में ही वहां डेगा आ जाता है, वो सेंट्रल वॉकअवे की चाबी चुरा लाया था, जिससे वो गार्ड टावर के रास्ते जा सकते हैं, और जब तक लाइट नहीं आती तब तक गार्ड्स उन्हें देख नहीं पाएंगे। वो चारों किसी तरह गार्ड से बचते हुए और टावर से होते हुए जेल के एग्जिट पर पहुंचते हैं, जहां से उन्हें बाहर निकलने के लिए नीचे कूदना था। सेलर, मटरिट और पापी तो आसानी से कूद जाते हैं, लेकिन जब डेगा की कूदने की बारी आती है, अचानक लाइट आने से वो डर जाता है, जिसे वो ठीक से लैंड नहीं होता और उसके पैर में चोट लग जाती है। सेलर टांग टूटने की वजह से डेगा को वही छोड़ने कहता है, लेकिन पापी सेलर को बताता है पैसे डेगा के पास ही है। फिर मटरिट की मदद से पापी डेगा को अपने साथ ले चलता है, लेकिन जंगल में भागते वक्त उन चारों पर कुछ लोग गन तान देते हैं। अब पापी उन लोगों से लड़ने तैयार था, क्योंकि उसे वापस जेल नहीं जाना, लेकिन सेलर बताता है बोट इन लोगों के पास ही है। पापी उस आदमी से बोट के बारे में पूछता है, लेकिन वो पहले पैसे मांगता है। पापी डेगा से पैसे लेता है। डेगा धीरे से पापी को बताता है अब उसके पास और पैसे नहीं है। पापी डेगा से ये बात उन दोनों के बीच ही रखने कहता है। पापी बोट मालिक को पैसे देता है। फिर बोट का मालिक उन्हें बोट दिखाता है और उन्हें गुड लक बोलकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद चारों नदी के रास्ते समुद्र में निकल चुके थे, लेकिन जिस बोट से वो चारों जा रहे थे वो बोट कुछ खास नहीं थी, उसमें पानी भरना शुरू हो गया था। मटरिट और डेगा लगातार बोट से पानी निकाल रहे थे। बोट पर सेलर किसी बॉस की तरह बार बार डेगा पर चिल्ला रहा था। वो पापी को बताता है ये बोट उन चारों का वजन संभाल नहीं सकती, उन्हें वजन कम करना होगा। वो डेगा की तरफ इशारा करते हुए कहता है उसे वैसे भी मरना ही है, लेकिन पापी नहीं मानता, वो किसी को मारना नहीं चाहता। तभी बोट का टिलर टूट जाता है। पापी सेलर को टिलर ठीक करने कहता है। अगले सीन में चारों शांति से बैठे थे, लेकिन पापी देखता है सामने तूफान आ रहा था। तूफान को देखकर सेलर बोट को डुबाने से बचने के लिए जल्दी कुछ करने कहता है। पापी सेलर से कहता है वो
तूफान के लिए बोट तैयार कर रहा है। सेलर को डेगा बोट में एक हाथ नहीं बहा रहा था। वो दोबारा पापी से पूछता है क्या वो डेगा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने तैयार है, लेकिन पापी फिर वही बात कहता है कि किसी को भी मारने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सेलर डेगा को मारने चाकू निकाल लेता है। वो डेगा से पूछता है उसके पास पैसे कितने बचे है, तब पापी उसे बताता है डेगा के पास पैसे नहीं बचे। इस बात पर सेलर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मटरिट से कहता है वो दोनों उनसे झूठ बोल रहे थे और क्या वो डेगा के लिए मरना चाहेगा। मटरिट घबरा जाता है और नामे सिर हिलाता है। वो डेगा को मारने पापी से साइड में हटने कहता है, लेकिन पापी नहीं हटता। सेलर पापी पर हमला करने ही वाला था, तभी मटरिट सेलर का चाकू छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सेलर उसे बोट से नीचे फेंक देता है। फिर सेलर पापी से लड़ने लगता है। सेलर पापी से ज्यादा तगड़ा था, वो पापी पर भारी पड़ रहा था। सेलर पापी को नीचे गिराकर उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी डेगा पीछे से सेलर पर हमला करता है और उसके पीठ में कई बार चाकू से वार करता है और आखिर में उसके गले पर चाकू मार कर उसे जान से मार देता है। सेलर के मरने पर भी डेगा उसे बार बार चाकू मार रहा था। पापी उसे रोकता है, तब डेगा को होश आता है। सेलर को मारने के बाद डेगा बुरी तरह घबरा गया था। थोड़ी देर बाद मटरिट फिर से बोट पर आ गया था। दोनों सेलर की बॉडी समुद्र में फेंक देते हैं। अब बोट का कुछ वजन कम हुआ था। कुछ समय बाद तूफान आ चुका था। डेगा और मटरिट लगातार बोट से पानी निकाल रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तूफान बहुत तेज था। फिर ये सीन यही कट होता है। कुछ देर बाद अचानक बुरे सपने से पापी की नींद खुलती है। वो इस समय किसी आदिवासी के झोपड़े में था। दो आदिवासी लड़कियां उसके सामने खड़ी थी। पापी बाहर निकल कर देखता है, वो आदिवासियों के कबीले में था। वो डेगा और मटरिट को ढूंढ ही रहा था, तभी वहाँ उसे एक नन मिलती है। पापी उससे उन दोनों के बारे में पूछता है। नन बताती है उनकी भी देखभाल की जा रही है। पापी पूछता है वो अभी कहाँ है। नन बताती है वो अभी कोलंबिया में है। नन पापी को बताती है कि उन्हें पश्चाताप के लिए गॉड को अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल करना होगा जिससे उन्हें माफी मिल सके। वो नन पापी से नहाने के बाद उनके साथ प्रेयर करने कहती है। पापी समुद्र में ही नहाने लगता है। नहाने के बाद वो डेगा के पास जाता है। पापी उसे यहाँ से चलने कहता है क्योंकि वो लोग जानते हैं वो तीनों कहाँ से आए हैं। डेगा कहता है उसने उसे सेलर पर भरोसा करने से मना किया था और अब उनकी डील भी खत्म हो चुकी है। पापी कहता है वो यहाँ से जा रहा है और डेगा भी उसे नहीं रोकता। अब पापी को जाता देख मटरिट उसके पास आता है। वो पापी को बताता है ये जगह जन्नत से कम नहीं, लेकिन पापी उससे कहता है ये जगह घर नहीं हो सकती, उसके लिए तो कभी नहीं। पापी उसे गुड लक कहकर वहाँ से अकेला ही निकल जाता है। कुछ दूर जाते ही उसे रास्ते पर पुलिस की गाड़ियाँ दिखाई देती है जो उन्हें ही ढूंढ रही थी। पहले तो वो वही छुप जाता है। पापी चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन वो डेगा के पास वापस जाता है। वो डेगा को जल्दी से भागने कहता है। दोनों के बाहर आते ही मटरिट उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, लेकिन तभी पुलिस वाले मटरिट को गोली मार देते हैं जिससे वो वही मर जाता है। फिर गार्ड डेगा और पापी को दबोच लेते हैं। यहाँ पता चलता है पुलिस को उन तीनों की खबर उस नन ने ही दी थी। डेगा पापी की तरफ देखकर कहता है वो उसके लिए वापस क्यों आया। अब अगले सीन में पता चलता है पापी को रूल्स के हिसाब से 5 साल के लिए अंडा सेल में रखा गया है। उसके 5 साल पूरे हो चुके थे, वो बूढ़ा दिख रहा था। अंडा सेल में 5 साल की सजा पूरी होने पर वार्डन खुद उसे बाहर निकलता देखने आया था क्योंकि बहुत कम कैदी अंडा सेल में 5 साल की सजा सरवाइव कर पाते हैं। वो पापी से पूछता है वो किसके लिए जी रहा है, क्योंकि जहां वो जा रहा है वहां उसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि रूल्स के मुताबिक अब पापी को अपनी आगे की सजा डेविल्स आइलैंड पर काटनी होगी। फिर पापी को बोट से डेविल आइलैंड की जेल लाया जाता है। वो देखता है कुछ पुलिस वाले किसी की लाश पानी में फेंक रहे हैं। अब पापी डेविल आइलैंड की जेल में पहुंचता है जहां लगातार कैदियों के चीखने की आवाज आ रही थी। जेल में आने पर कई कैदी उसके पास आते हैं। ये अलग तरह की जेल थी। इस आइलैंड पर कैदी आजाद थे क्योंकि यहां से कोई भाग नहीं सकता। वहां गार्ड्स भी ज्यादा नहीं थे। कैदियों को यहां लाकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन तभी डेगा उसके सामने आता है। डेगा कहता है दो स्कूल टीचर के बेटे ऐसी जगह क्या कर रहे हैं। मतलब डेगा के पेरेंट्स भी स्कूल टीचर थे। पापी डेगा को वहां देखकर बहुत हैरान था। थोड़ी देर बाद वहां दो गार्ड खाना लेकर आते हैं और सभी कैदी खाने पर टूट पड़ते हैं। अब पापी डेगा के पीछे एक कमरे में जाता है जहां की दीवारों पर डेगा ने कई ड्राइंग बनाई थी। डेगा पापी से कहता है वो इस आइलैंड पर 5 साल से है। वार्डन उसके जेल से भागने पर बहुत नाराज था, इसीलिए उसने उसे सीधे यही भेज दिया। डेगा पापी के खाने के लिए कुछ बना रहा था, लेकिन पापी उस जेल की खिड़की से बाहर देख रहा था। अब अगले दिन जेल का काम करने डेगा पापी को उठाता है। कुछ देर बाद डेगा कुएं से पानी भर रहा था,
तभी पापी एक सेल की तरफ देखता है जहाँ एक कैदी ने खुद को फांसी लगा ली थी। फिर पापी टेरेस पर जाता है, डेगा उसके पीछे आता है। पापी अभी भी जेल से भागने की उम्मीद पर ही जिंदा था। वो डेगा से समुद्र तक पहुँचने का रास्ता पूछता है। अगले सीन में वो दोनों समुद्र के पास एक क्लिफ पर खड़े थे। डेगा भी पापी के मन की बात समझ चुका था। डेगा कहता है अगर वो नीचे कूदने से बच भी गया लेकिन वो समुद्र से बच नहीं पाएगा। अगले सीन में डेगा अपने जीवन भर के एडवेंचर के कुछ इवेंट दीवार पर आर्ट के रूप में बना रहा था, लेकिन पापी समुद्र को देखते हुए भागने के बारे में ही सोच रहा था। अगली सुबह पापी समुद्र की लहरों पर ध्यान देता है, फिर डेगा को नींद से जगाता है। वो कहता है उसने भागने का रास्ता ढूंढ लिया है। पहले तो डेगा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन पापी कहता है उनका भागना लहरों पर निर्भर करता है। उन्हें बस एक राफ्ट बनानी है और टाइड और लहरें उन्हें सीधे मेनलैंड तक पहुंचा देगी। वो डेगा को किनारे पर ले जाता है। अपनी थ्योरी साबित करने पापी एक नारियल समुद्र में फेंकता है जिसे लहरें वहां से ले जा रही थी। डेगा को उसका आइडिया पसंद आता है। वो राफ्ट बनाने के लिए बोरियों में नारियल भरते हैं। इस बार सिगरेट उछालने पर सिगरेट सीधा उसके मुंह में पहुंचती है। डेगा निशानी के तौर पर एक कपड़े को बोतल में रखता है और बोतल को उस बोरी में रख देता है। उन्होंने कुछ खाने का सामान और पीने के लिए पानी भी ले लिया था। दोनों बोरियां लेकर उस क्लिफ पर आते हैं। पापी सभी बोरियों को साथ में बांधकर एक राफ्ट बना लेता है, लेकिन डेगा पापी से कहता है वो यही रुकना चाहता है। पापी के पूछने पर वो कहता है जिस वजह से पापी यहाँ से जाना चाहता है उसी वजह से डेगा को यही रुकना है, क्योंकि शायद वो यही से बिलोंग करता है। वैसे भी पेरिस में अब उसके लिए कुछ नहीं बचा, उसे अब यही अच्छा लगता है। पापी उसकी बात समझता है और उससे आखिरी बार गले मिलता है। पापी राफ्ट पानी में फेंकता है। उनकी बनाई राफ्ट पानी में तैर रही थी। डेगा से आखिरी बार हाथ मिलाने के बाद पापी सीधा समुद्र में कूद जाता है। पापी के पानी में जाते ही डेगा उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पापी दिखाई नहीं देता। पहले तो उसे लगता है पापी मर गया, लेकिन तभी उसे पापी की आवाज आती है। तब पापी खुशी में पहली बार डेगा की बजाय लुईस चिल्लाता है। वो दोनों जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। डेगा पापी के लिए बहुत खुश होता है क्योंकि इस बार पापी जेल से भागने में पूरी तरह कामयाब हुआ था। फिर पापी खुद को समुद्र की लहरों के भरोसे छोड़ देता है। अगले सीन में हम एक प्लेन देखते हैं जिसमें पापी कहीं जा रहा था। अब पापी काफी बूढ़ा हो चुका है क्योंकि अभी साल 1969 चल रहा था। पापी पेरिस में एक वकील के पास आया था। वकील कहता है वो उसे पेरिस में देखकर हैरान है क्योंकि वो अब भी यहाँ वांटेड मैन है। उसे यकीन नहीं हो रहा था पापी सच बोल रहा है। पापी कहता है वो यहाँ ज्यादा समय नहीं रुकेगा क्योंकि अब उसका घर वेनेजुएला में है। फिर वो एक फाइल टेबल पर रखकर कहता है उसकी बायोग्राफी फ्रांस में छपनी जरूरी है। पापी की उस फाइल में हमें डेगा का रखा हुआ वो कपड़ा भी देखने मिलता है। दरअसल पापी की वाइफ ने उसे उसकी कहानी लिखने इंसिस्ट किया था क्योंकि अब वो सब कुछ याद रखने उतना यंग नहीं रहा। वो फाइल देखकर वकील को यकीन होता है पापी सच बोल रहा है और सच में ये उसकी ही कहानी है। लेकिन पापी कहता है ये बहुत से आदमियों की कहानी है। और यहाँ ये मूवी भी एंड होती है। एंड क्रेडिट में हमें 1939 के टाइम की कुछ स्टॉक फुटेज दिखाई जाती है कि कैसे कैदियों को शिप में ठूस कर फ्रेंच गुयाना जेल में लाया जाता था। हमें ये भी पता चलता है लगभग 80,000 कैदियों को फ्रेंच गुयाना जेल भेजा गया था जो कभी वापस फ्रांस नहीं आ पाए। पापी को असली इंसाफ 1970 में मिला था जब फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ने उसे एक फ्री मैन घोषित किया। फिर हमें पापी की असली फोटो दिखाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी पूरी तरह एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।